उसका बेंच है वो टूट चुका है और नया बेंच जो है ना अभी तक उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, नई बेंच को जो है ना नई अभी तश्कील नहीं हुई है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब, यहाँ सारे एमएनएज आए हैं, हम आपसे मुतालिबा करते हैं, अगर आपके इस मुअज्ज़ज़ हाउस से और जो कि इंसानी हकूक के मुहाफिज है, अगर यहाँ उन मजलूम लोगों को जो कि बेगुनाह तौर पर इस वक्त जेलों में है उनको इंसाफ नहीं मिलता और उनका जो है ना केस भी नहीं सुना जाता है, तो बताएं हम किधर जाएं? क्या हम कोई अक्वाम मुत्तहिदा जाएं? आपके पास हमने आना है। इसलिए हमारा मुतालिबा है कि जो हमारा केस है जो कि ब्रिटिश कोर्ट के उसका जल्द अज जल्द लगाए और जो हमारे मुतालिबात है, हम समझते हैं कि हम अपना केस प्ली करेंगे, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। दूसरे इस वक्त जो हमारे लोग जेलों में हैं, जो बेगुनाह जेलों में हैं, जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका कानूनी हक है कि उसको इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे इंसाफ का मुतालिबा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप मेरिट के मुताबिक इंसाफ के मुताबिक इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस यहां पहुंचे हुए हैं। मुराद सईद के पोस्टर्स उनके हाथ में हैं, रिलीज इमरान खान के पोस्टर उनके हाथ में, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे इमरान खान की रहाई के हवाले से और आज यहाँ पहुँचने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, आपके हाथों में पोस्टर्स हैं, आने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पे आने की वजह यह है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमारे कायद इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और साथ ही जितने भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खुसूसन मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो हमारी खवातीन हैं, कि जो रुपोश है उनको तहफ़ दिया जाए और जो बेकसूर इस जोले में पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द उनके मुकदमात ख़त्म किए जाए, उनकी कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए और उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। ठीक है, देख सकते हैं ये शाहद साहब हैं जिन्होंने परवेज़ हट्ट को हराया और डॉक्टर शफकत याज तरीके साहब की तरफ से सेनेटर नामजद हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। शफकत साहब क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं, तमाम मेम्बरान असम्बली भी यहाँ मौजूद हैं, आज यहाँ आने का मकसद क्या है और इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या कहेंगे? इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस हमारी आवाम मुंतखब करके लेकर आती है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये मुराद सईद जो एक ऐसा मिनिस्टर था जो चोर नहीं था, डाकू नहीं था, इस पाकिस्तान के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो आज रुपोश है। क्यों रुपोश है और किसकी वजह से है? ये सुप्रीम कोर्ट कब उनको इंसाफ देगी? इमरान खान आज कहाँ पर है? इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रहा है आज उनके कमरे में आपको पता है उनका पंखा भी बंद कर दिया गया है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इस सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने के लिए ये सारे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आए हैं कि इंसाफ दे, और इन पार्लियामेंटेरियंस को नहीं, वो लोग जो आज रुपोश है, जो जेल में है इमरान खान जैसे लोग, उनको जो है इंसाफ दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं ये मनाजर हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने के, सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन मौजूद है। शाहिद हट्टक साहब, आप भी रिलीज इमरान खान का पोस्टर लेके यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हमारा तहरीक इंसाफ का सबसे बुनियादी जो हमारा मुतालबा है वो यही है कि इमरान खान साहब और लीडरशिप को फिलफौर रिहा किया जाए, हमारा चोरी शुदा मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए और इस मुल्क में आईन और कानून बहाल किया जाए। इस टाइम आईन और कानून जो है वो मुअत्तल है। इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते, लेकिन उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराए और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं तमाम के तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं और सब केसेस जो हैं वो जाली हैं और जाली मुकदमात के अंदर कौम के लीडर इमरान खान साहब को इन्होंने कह देना हक में रखा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस पार्लियामेंटेरियन इस टाइम जो है वो प्रोटेस्ट के ऊपर है और हमारा यही मुतालबा है और इंशाल्लाह इस एहतजाज में और इस प्रोटेस्ट में आपको शिद्दत नज़र आएगी। और फिलहाल तो हम सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम इधर कौम को कॉल देंगे कि आप लोग आएँ तो इनको लग पता जाएगा कि ये कौम जो है ये तैयार बैठी हुई है। कौम यही चाहती है, कौम का यही मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो खाल दे और हम इस्लामाबाद की तरफ आए और इंशाल्लाह लीडरशिप जो है वो बहुत जल्द
वो काल भी देगी और इंशाल्लाह हम दोबारा तगड़े भी हो रहे हैं और दोबारा जो 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ रिकवर कर रही है। स्पेशली पंजाब में जुम्मे के दिन जो प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से पंजाब के लोग निकले, इंशाल्लाह जब पंजाब जागता है तो पूरा पाकिस्तान जाग जाता है। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचे हुए थे। जुनेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर सलाम अलैकुम, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचे हुए थे, यहाँ प्रोटेस्ट जारी था, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला ये तो हमारा इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसमें शिद्दत आएगी और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे, असम्बली में भी करेंगे और अगर इससे मसला हल नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम सारे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। और क्योंकि हमारे वर्कर का हम पे प्रेशर है, लोगों की डिमांड है कि खान के लिए हमें एक बहुत बड़ी